फिलहाल धीरे धीरे स्पोर्ट्स का हब बन रहा है, ये आप भी कह सकते हो, आप अभी भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने हमने सब जूनियर और जूनियर बॉयज हॉकी की नेशनल्स करी दोनों पिछले महीने। इस महीने हम लोग राइफल शूटिंग की नेशनल्स कर रहे हैं और यहाँ स्नूकर एंड बिलियर्ड्स की पूरे सीनियर मेंस, सीनियर विमेंस, बॉयज सारे हो रहे हैं। अगले साल सीनियर मेंस हॉकी नेशनल्स, सीनियर विमेंस हॉकी नेशनल्स। और आज जब एनआरएआई वाले आए थे रेंज को देखने के लिए और शुरू करने के लिए अपनी नेशनल्स, तो वहाँ बता रहे थे कि अपनी रेंज जो है वो इंटरनेशनल की काबिल हो सकती है, इंटरनेशनल होस्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा, हमें बताया कि आप कैसे अपने पेपर्स और प्रेजेंटेशन करो ताकि हम इंटरनेशनल फोरम में हम कह सकते हैं कि आप हमें इंटरनेशनल मैचेस दो और हम भोपाल में होस्ट करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने जो बात करी थी बार बार, और सीएम ने यही जोर दिया है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश और भोपाल एक हब बने स्पोर्ट्स के लिए। तो पिछले दो महीने में जैसे मैंने आपको कहा कि अब नेशनल्स होने लगे हैं, पहले तो गेम्स भी नहीं होते थे। तो मेरा सोच है कि थोड़ा सा और हम मशक्कत करें, थोड़ा सा और हम प्रयास करें, तो वाकई में उनकी मदद से और सरकार की प्रयासों से ये हब बन सकता है स्पोर्ट्स के लिए। एंड प्रेस ने हमेशा हम लोगों को साथ दिया है, स्पोर्ट्स माइंडेड हो आप लोग, और जब तक आप लोग पॉजिटिव लिख सकते हो तो मैं इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि नेगेटिव स्पोर्ट्स में नेगेटिव लिखना जगह नहीं है अभी। अगर हमें ओलंपिक्स में अच्छा करना है, एशियन गेम्स अभी आ रहे हैं, तो हौसला अफजाओ और लोगों की मदद करो, प्रोत्साहित करो हम लोगों को कि यस, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मेरा ये शुरुआत हुई जब मैंने देखा कि ओलंपियंस इस बार इंडिया ने कितना अच्छा करा, और उससे मैंने ये सोचा कि सेज यूनिवर्सिटी क्यों ओलंपियंस नहीं दे सकता है, और हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए एक कल्चर डेवलप करना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी में खेल का। तो इसीलिए हम लोग ये सारे चैम्पियनशिप्स करके यहाँ के जो बच्चे हैं और पूरी सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सेज यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स फोकस्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आप सब आके आप लोगों को स्पोर्ट्स को कोटा के अंतर्गत एडमिशन्स भी पूरी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ मिल सकती है, क्योंकि आपकी ड्रीम वो ओलंपिक मेडल लाने की हमारी ड्रीम है, एंड वी विल सपोर्ट यू फुल्ली टू अचीव दैट। सो ट्रस्ट सेज यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट योर कोचेज एंड ट्रस्ट योर पेरेंट्स इन चूजिंग दिस।